दोस्तों ये वीडियो सबूत है कि ग्रेटनेस के लिए कोई शॉर्टकट नहीं होते, बल्कि पर्दे के पीछे और कैमरे से दूर कड़ी लगन और बहुत सारी मेहनत होती है। तो आइए जानते हैं दोस्तों कि कैसे एक माली का बेटा दुनिया का महंगा फुटबॉलर बन गया, लेकिन ये सब जानेंगे आप आज की इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले मेरे चैनल SGV को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि आपको ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस मिल सके। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों ये है दुनिया का बेहतरीन खिलाड़ी, नाम है जिसका क्रिस्टियानो रोनाल्डो। कई लोग इसे न जानते होंगे, मगर आपको ये सुनकर झटका लगेगा कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो फुटबॉल खेलकर सालाना 700 करोड़ से भी ज्यादा कमाते हैं। जी हाँ दोस्तों, 700 करोड़, वो भी एक साल में। लेकिन आप ये नहीं जानते कि शोहरत की बुलंदी पर बैठे इस शख्स का बचपन टपकती टीनों के नीचे गुजरा है। आज मैं आपको बताऊंगा क्रिस्टियानो रोनाल्डो की जिंदगी के बारे में। सबसे पहले जानते हैं कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो कौन है। दोस्तों इनकी पैदाइश 5 फरवरी 1985 को पुर्तगाल के शहर आंचल में हुई। इनका पूरा नाम क्रिस्टियानो रोनाल्डो डॉस सैंटोस है। इनके वालिद अमेरिकन एक्टर और फिर बाद में प्रेसिडेंट बने। ये रोनाल्ड रेगन के बहुत बड़े फैन थे, उन्हीं के नाम पर उन्होंने अपने बेटे का नाम रोनाल्डो रखा। क्रिस्टियानो रोनाल्डो फिलहाल जॉन्टिस फुटबॉल क्लब की तरफ से खेलते थे। रोनाल्डो पुर्तगाल के नेशनल टीम के कैप्टन भी हैं। रोनाल्डो की कमाई ऐसी है कि वो अरबों डॉलर्स के घर में रहते हैं। दुनिया की सबसे महंगी गाड़ी उन्हीं के पास है। दोस्तों रोनाल्डो का यहाँ तक का पहुँचने का सफर फिल्म की कहानी से कम नहीं। अपने बचपन के दिनों में रोनाल्डो अपनी फैमिली के साथ टीन के घर में रहा करते थे। छोटी उम्र से रोनाल्डो ने फुटबॉल खेलना शुरू कर दिया था। रोनाल्डो को बचपन से ही फुटबॉल से ज्यादा मोहब्बत हो गई थी। रोनाल्डो को 8 साल की उम्र में एंथोना स्पोर्ट्स क्लब में चुन लिया गया था। रोनाल्डो की वालदा का नाम मारिया है। वो बचपन में रोनाल्डो को क्राइंग बेबी पुकारती थी, क्योंकि क्रिस्टियानो रोनाल्डो जब भी हार जाते थे या अच्छा स्कोर नहीं कर पाते थे तो मैदान के बीच में ही रोना शुरू कर देते थे। रोनाल्डो स्कूल में क्लास से ज्यादा फुटबॉल ग्राउंड में मिला करते थे। रोनाल्डो का दिल फुटबॉल में इतना ज्यादा लग चुका था कि वो 10 साल की उम्र में पुर्तगाल के सबसे बड़े स्पोर्ट्स क्लब ने उन्हें अपना मेंबर बना लिया था। रोनाल्डो का अच्छा खेल देखने के बाद इंतजामिया ने क्रिस्टियानो रोनाल्डो को 15 पाउंड में साइन कर लिया। 15 साल की उम्र में रोनाल्डो को अपनी फैमिली को छोड़कर जाना पड़ गया। जब रोनाल्डो 15 साल का हुआ तो उनके वालदैन को पता चला कि रोनाल्डो के दिल में बीमारी है, इसलिए डॉक्टर्स ने उन्हें ज्यादा भागने और खेलने से मना कर दिया है। डॉक्टर्स ने बताया कि रोनाल्डो के दिल की सर्जरी करनी होगी या फुटबॉल खेलना हमेशा के लिए बंद करना होगा। रोनाल्डो फुटबॉल छोड़ना नहीं चाहते थे, इसीलिए उन्होंने सर्जरी करने का फैसला किया। सर्जरी के बाद वो फिर से फुटबॉल की दुनिया में वापस आ गए। 2003 में उन्हें 17 मिलियन अमेरिकन डॉलर्स में साइन कर लिया गया। मैनचेस्टर यूनाइटेड में उन्होंने जर्सी नंबर 28 की डिमांड की थी, लेकिन उन्हें नंबर 7 मिला, जो अभी भी उन्हीं का है। मैनचेस्टर यूनाइटेड ज्वाइन करने के बाद लगातार 3 प्रीमियर लीग टाइटल, 1 चैंपियन लीग टाइटल और फीफा वर्ल्ड कप भी टीम को जितवाया। 2009 में रियल मैड्रिड क्रिस्टियानो रोनाल्डो को मैनचेस्टर यूनाइटेड से 132 मिलियन डॉलर्स देकर अपनी टीम में शामिल कर लिया था। ये किसी भी खिलाड़ी के लिए सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव था। रियल मैड्रिड का ये कॉन्ट्रैक्ट 2009 से 2015 तक का था। रियल मैड्रिड में रहते हुए रोनाल्डो ने 15 ट्रॉफीज जीती। फिर 2018 में इटली के जॉइंटिस क्लब ने रोनाल्डो को 100 मिलियन पाउंड्स में साइन कर लिया। 30 साल से ऊपर खिलाड़ियों की हिस्ट्री में ये सबसे महंगा कॉन्ट्रैक्ट है। दोस्तों एक बेहतरीन बात आपको बताता चलूं, रोनाल्डो अपनी फुटबॉल की कमाई खुद पर ही नहीं खर्च करते, बल्कि सामाजिक कामों में भी खर्च करते हैं। आज क्रिस्टियानो रोनाल्डो वहाँ तक पहुँच चुके हैं जहाँ पहुँचना किसी भी खिलाड़ी का ख्वाब होता है। दोस्तों किसी ने सही कहा था कि जब आपका साइन एक ऑटोग्राफ में बदल जाए तो समझ जाइएगा आप कामयाब हो चुके हैं। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय से आगाह करें, और अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर जरूर कर दिएगा, और हमारे चैनल SGV को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दिएगा ताकि आपको ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस मिल सके। तो दोस्तों अब मैं मिलूंगा एक नई वीडियो में। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।